जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल एमपी की बहु कविता में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस, तो बस यही देखिए। आज मैं बैठी हूँ मशीन पे और ये बनाई हमने सुंदर सुंदर सी लड्डू गोपाल की ड्रेस। लड्डू गोपाल हमारे यहाँ दो तीन भगवान है छोटे छोटे, बस तीनों कान्हा जी की हमने ड्रेस बनाई। उसके बाद ही देखिए आंधी तूफान शुरू हो गया, शाम का समय है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमारे यहाँ का 44 डिग्री चल रहा है इस समय, और उसके बाद तूफान ने दी है दस्तक बहुत तेज़ आंधी के साथ। देखिए कितना तेज़ तूफ़ान है, और ये तूफ़ान के बाद होने लगी बारिश। तो बस हमें तो डर लग रहा था कि भैया हमारे बछड़े बाहर बंधे हुए हैं, इस तूफ़ान को कैसे रोका जाए, बहुत ही तेज़ तूफ़ान था। इसके बाद जो कल मैंने होममेड आटे की सेव बनाई थी, बस उसी को बना के खाने की बारी आई। बच्चों को बघार के ज़्यादा पसंद है, हम आमरस के साथ भी बनाते हैं, तो जब हम आटे की सेवई बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। पहले हम आटे की जो सेव होती है उसको बटर डाल के सेक लेते हैं, और बस यहीं पे उसको मैं लो फ्लेम पे सेक रही हूँ, कलर चेंज नहीं होने देते हैं, बस नॉर्मली थोड़ा सा सेक लिया जाता है। सेक के फिर इसके बाद आप बॉईल करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो बस यहीं पे हमने हमारी जो सेवई है उसको बटर से हल्के से सेक ली है, साथ ही में रख दिया हमने पानी बॉईल होने, और फिर नॉर्मल जैसे हम मैगी बनाते हैं बस वैसे ही बॉईल करेंगे, और इसके बाद लगा देंगे हम तड़का। हमारी जो गेहूं के आटे की सेवई है वो 2 मिनट हमने बॉईल करने के बाद निकाल ली है, और ये हेल्दी होती है। मैदा कहीं ना कहीं आपको नुकसान करता है, परंतु ये आटे से बनी है तो हेल्दी है, और आपको इसका नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बस यहाँ आप अपने फेवर के हिसाब से जो भी पसंद करते हैं वो मसालों के साथ इसको तड़का फ्राई कर लीजिए। हम यहाँ पर जीरा मिर्च प्याज पसंद करते हैं तो बस उसी के साथ फ्राई कर रहे हैं। आप ऑप्शनल है, आपको सब्ज़ी डालना है आप सब्ज़ी डाल लीजिए, मेरे बच्चों को सब्ज़ी ज़रा पसंद नहीं, और हमारे यहाँ मार्केट मंडे का होता है तो आज फ़िलहाल घर पे सब्ज़ी भी नहीं थी, तो शाम का होता है तो शाम को सब्ज़ी आएगी, इसलिए हमारे पास जो सामान अवेलेबल था हमने उसी से हमारी गेहूं के आटे की सेव जो हम मैगी के जैसे बना रहे हैं उसको फ्राई कर ली। एक तरफ मैगी बन रही है और दूसरी तरफ मैंने गैस पे गाय के गोबर से बने कंडे को रख दिया है। मेरा कंडा हो रहा है जब तक मैं साथ में मैगी फ्राई करती जा रही हूँ, ताकि बच्चों को भूख भी लगी है और उन्हें खाने के साथ मैगी खाना है। खाना मैं बना चुकी हूँ, तो बस यही मेरी मैगी की भी तैयारी हो रही है, साथ में मेरा कंडा हो रहा है, और ये देखिए मेरा कंडा हो चुका है। तो अब मैं करूँगी शाम की आरती, और यही मेरा छोटा सा मंदिर है भगवान का, जहाँ मेरे लड्डू गोपाल हैं, भोलेनाथ भगवान हैं, कान्हा जी हैं। और ये ड्रेस देखिए आज ही बनाई है, और ये ड्रेस बच्चों ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई है। बच्चे भी कर बनाते हैं सीखते हैं, तो मैंने बोला चलो आज आप बनाओ सीखो कुछ, और साथ में बन गई थी ये मैगी। तो बस मैंने बच्चों से बोला आप सर्व करके खाइए बेटा, जब तक मैं करती हूँ आरती। तो ये देखिए मैगी रेडी है, और चलिए अब मैं कर देती हूँ आरती। आज हमारे आई है केरी, और बस कच्चे केरी का मैं यहाँ डालने वाली हूँ अचार, तो बस ये उसी की तैयारी चल रही है। और ये देखिए कच्चे केरियों को ये सरोते से कितने अच्छे से काट रहे हैं, यहाँ काट के अचार की तैयारी चल रही है, और अचार की वीडियो मैं डालूंगी अपने कल के ब्लॉग में। तो बस ये पीस छोटे छोटे कर लिए हमने, केरी को अच्छे साफ धो लिया है और धो के काट रहे हैं। इसके बाद इसमें हम मसाला मिलाएंगे, तेल गरम करेंगे, और घर पे ही मैं अचार बनाती हूँ और अचार बहुत अच्छा लगता है। कल की वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी बताऊँगी। Thank you.
आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करिए, और देखते रहिए मेरे वीडियोस को। जय श्री कृष्णा।